आपसे मिलने कुछ लेडीज लोग आई है। एक मिनट। हेलो हेलो वॉचमैन, माधी बेन और दया बेन से कहो कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। ठीक है सर, माधी बेन, दया बेन, हमारे सर को आपसे नहीं मिलना है। पर उनको कैसे पता चला कि हम लोग उनको मिलना चाहते हैं? वो सीसीटीवी से, वो सीसीटीवी कैमरा से हमें देख सकता है। जरा मुझे फोन देंगे, एक मिनट जरा उनसे बात करनी। हेलो धनराज भाई, हमें अभी आपसे मिलना है। देखिए, मैं आप लोगों से नहीं मिलना चाहता। अब जो भी बात होगी मेरा वकील कोर्ट में करेगा। और मैंने इंस्पेक्टर पांडे को और सारे गोकुलधाम वासियों को वार्निंग दी थी कि मुझसे दूर रहे। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हे भगवान, ये तो टेंशन कम होने की बजाय और बढ़ गया। हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। देखो तुम सब लोग हिम्मत मत हारो, कभी कभी देर लगती है लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की होती। बापू जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सच्चे इंसान की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उन्हें साथ भी हमेशा देते हैं। न्याय होगा और जरूर होगा। हे श्री कृष्ण, आपने जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म, न्याय और सत्य का साथ दिया था, उसी तरह आज हमारी भी सत्य की लड़ाई में हमारा साथ देना। हम पे कृपा रखना प्रभु, कृपा रखना। कृपा हो गई, कृष्ण कन्हैया की कृपा हो गई। सारथी का मतलब रथ चलाने वाला, और आज के युग में सारथी यानी गाड़ी चलाने वाला। तय भाभी, आप कहना क्या चाहती है? बताती हूँ। भीड़े भाई ने धनराज भाई को टैक्सी में बिठाकर उनके घर पर भेजा था। टैक्सी वाला यानी सारथी, ये टैक्सी वाला ही सबसे बड़ा सबूत है भीड़े भाई को न्याय दिलाने के लिए। अरे हाँ, हाँ वो हाँ, टैक्सी वाला हमारे लिए सबसे बड़ा गवाह है। दया भाभी, थैंक यू, दया भाभी, थैंक यू। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर टैक्सी वाला पुलिस को ये बता दे कि उस रात भीड़े ने धनराज को टैक्सी में बिठाया था और भीड़े ने धनराज से वो बैग लूटा नहीं था, बल्कि धनराज ने खुद सामने से वो बैग भीड़े को दिया था, तो ये साबित हो जाएगा कि भीड़े सच्चा है और धनराज झूठा। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ। अरे दया भाभी, थैंक यू, थैंक यू। तू अच्छा दया भाभी, ये तो हम में से किसी को सूझा ही नहीं। करण, टैक्सी वाले की गवाही से भीड़े भाई बेकसूर साबित हो जाएंगे। एक मिनट, वो टैक्सी वाला कौन है हमें कैसे पता चलेगा? शहर में हजारों टैक्सी वाले हैं, उसे ढूंढेंगे कैसे? हाँ, हमारे पास तो टैक्सी का नंबर भी नहीं है। यानी कितने दिन लग जाएंगे? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, टैक्सी वाला जल्दी और आराम से मिल जाएगा। कैसे? कैसे? अरे सिंपल है, धनराज जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और अगर धनराज परसों रात को उस टैक्सी में आया है तो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से उस टैक्सी का नंबर मिल जाएगा। ग्रेट, तो उस नंबर से हमें आटे और से टैक्सी वाले का नाम और पता मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट, धनराज के सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज मिलेगा कैसे? कोमल भाभी, सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिल सकता है, पर पुलिस तो फुटेज निकाल ही सकती है ना? करेक्ट। हाँ, और इस फुटेज से पूरा सच सामने आ जाएगा और वो दुष्ट पकड़ में आ जाएगा और सब लोग छूट जाएंगे। तुम सब लोग जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ और इंस्पेक्टर पांडे की मदद लो। है हाँ। और टपू सेना की चिंता मत करना, हम दोनों हैं यहाँ। अब सच्चाई की जीत होकर रहे। मेरी गलती की सजा आप सबको मिल रही है। I'm really sorry, I'm really... आत्माराम, तुम बार बार सॉरी मत बोलो। मेहता साहब, मान लो अगर हम सबको जेल हो गई तो
जेल में क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है? जेठालाल, मैं क्या कोई 2-4-5 बार जेल गया हूँ, मुझे कैसे मालूम? भाई आपको सब बात का बहुत ज्ञान होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं पता तो बोल दीजिए ना। नहीं पता? हाँ, मुझे नहीं पता। हाँ तो बस बात खत्म। मैं कभी जेल नहीं गया, मेरा कभी नहीं मालूम। तो मैंने आपको पूछा? नहीं, तुमने सबको छोड़कर मेरी तरफ देखा, इसलिए बोला। हमारा भाग्य भी पुरानी गड्डी के कार्बोरेटर जैसा है, थोड़े थोड़े दिन में कचरा आ ही जाता है। वाह। हमारा भाग्य उस 80 साल के आदमी के लीवर जैसा है, जिसमें हर 3-4 दिन के बाद सूजन आ ही जाती है। आप लोगों ने मेरी बात पे ताली नहीं बजाई। इतना कुछ खास नहीं था, मजा नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। इधर आइए, क्या प्रॉब्लम है? इधर आइए। भीड़े भाई सच्चे हैं, ये साबित करने का सबूत मिल गया है। बताइए। क्या मिला? आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आइए। पांडे सर, हमें ऐसा सबूत मिला है कि ये सब तो छूट जाएंगे ही, भिड़े भाई भी बेकसूर साबित होंगे। वाह, गोकुल धाम के मर्द तो केस सॉल्व करते ही थे, अब औरतें भी केस सॉल्व करने लगी हैं। बताइए क्या सबूत मिला है? वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। पर आप लोगों ने क्या बोला मेरी समझ में नहीं है। कोई एक महिला बोलेगी तो मेरी समझ में आएगा। बोलिए, कौन बोलेगा? मैं बताती हूँ। आप बोलेंगी शांति से? दादा एकदम शांति से, आराम से बताना, आराम से, शांति से। धनराज भाई को उस रात भीड़े भाई ने टैक्सी में बिठाया और फिर टैक्सी वाले भाई ने धनराज भाई को उनकी सोसाइटी तक छोड़ा। धनराज भाई की सोसाइटी के सीटी में समा गया होगा। सीटी में? She means CCTV. CCTV में टैक्सी का नंबर रिकॉर्ड हो गया होगा। वाह, क्या बात है महिला मंडल, पांडे जी तो सबसे बड़ा सबूत है। टैक्सी वाला ना? कभी टैक्सी वाला गवाह बने। गोकुल धाम महिला मंडल नाराबाजी। ये पुलिस स्टेशन है, कोई आंदोलन का मैदान नहीं है। अय्यर भाई, कदम धनराज की सोसाइटी में जाओ और जो परसों रात की फुटेज है वो लेकर आओ, और फुटेज में जो टैक्सी का नंबर है उसे नोट कर लो, और हाँ, टैक्सी वाले के बारे में पता करो कि वो कौन है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो, वो जो आरटीओ के दंतोले साहब है ना, उसको बोलना कि हमने बुलाया, उसे हेल्प करेंगे, हो जाएगा, ठीक है? जाओ। ओ पिड़ू, अब टैक्सी वाले के मिलते ही उसकी गवाही से तू छूट जाएगा यार। सिर्फ नहीं नहीं, हम सब छूट जाएंगे। थैंक यू गोकुल धाम की बहनों, अब मेरी शादी हो जाएगी। लेडीज, आप लोगों ने कमाल कर दिया, आप उस टैक्सी वाले की गवाही से साबित हो जाएगा कि धनराज झूठा है और वो सबको फंसाता है, और उसी ने भिड़े को भी फंसाया है, हम सबको भी फंसाया है, प्रूव हो जाएगा। अब तो उसको केस वापस देना ही पड़ेगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो। एक तीर तीन निशान। माफ करना गोकुल धाम वासियों, मैं आपके इस खुशी के गुब्बारे से थोड़ी सी हवा निकालूंगा। मतलब ये कि उस सीसीटीवी फुटेज से टैक्सी का नंबर भी मिल जाएगा, टैक्सी वाला भी मिल जाएगा,
लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो कबूल करेगा कि शिक्षक भिड़े ने उस धनराज को उसी टैक्सी में बिठाया था। अरे ऐसे कैसे नहीं कबूल करेगा पंडित जी, अरे मैंने खुद टैक्सी रोकी थी, मैंने खुद उससे बोला था कि आदमी पिया हुआ है उसको संभाल के घर पे छोड़ देना, मैंने खुद बोला था भाई। तुम बहुत बोलते हो भिड़े, तुमने तो ये भी बोला था कि धनराज ने तुम्हें सोने की बिस्किट गिफ्ट में दी थी, लेकिन धनराज ने यहाँ आकर क्या कहा कि तुमने उसे बेहोश करके सोने की बिस्किट गिरा दी। वैसे ही टैक्सी वाला यहाँ आकर पलट गया कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, तब हम क्या करेंगे। पर पांडे जी टैक्सी वाला झूठ क्यों बोलेगा? बोल भी सकता है, अगर टैक्सी वाला किसी लफड़ में पड़ना ना चाहता हो तो वो झूठ बोलेगा ही। हे भगवान, पति जी रक्षा करना, भीड़ भाई बेकसूर है ये साबित करने के लिए टैक्सी वाले भाई हमारी आखिरी उम्मीद है। परमेश्वरा उस टैक्सी वाले को सद्बुद्धि देना। चलो जी, अब पांडे जी अब क्या करें? उस टैक्सी वाले का इंतजार। पांडे जी बहुत टाइम हो गया, जरा फोन करके पूछिए ना वो टैक्सी वाले का पता चला। ए, पुलिस को सिखाता है क्या करने का? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, याद दिला रहा, बिजी है ना काम में इसलिए। आ गया आ गया, टैक्सी वाला आ गया, आइए भाई साहब आइए जल्दी आ जल्दी आ जाओ। अरे वो इंस्पेक्टर कदम कहाँ रह गया? सर मुझे नहीं पता। वो टैक्सी वाले बाबू, परसों रात को जिस इंसान को आपने आपके टैक्सी में बोरीवली कोरा केंद्र के यहाँ छोड़ा था, तो उस इंसान को राम मंदिर रोड से इन्होंने ही बिठाया था ना? अरे नहीं मैडम, आप क्या बोल रही हैं? मैं तो पिछले एक महीने से अपने गाँव में था जौनपुर, अभी आया हूँ सुबह सुबह। भैया ये तो सच में पलट गया। टैक्सी वाले भाई भेज, आप जरा याद कीजिए, सच बोलिए ना, किसी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज। नहीं नहीं देव अभी ये टैक्सी वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, पिछले 5 साल से हम टैक्सी चला रहे हैं। अरे मेरा मतलब है ये वो टैक्सी वाला नहीं है जिसकी टैक्सी मैंने धनराज को बिठाया था। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? साहब मेरी टैक्सी में किसी का ये लैपटॉप रह गया था, वो जमा करवाने आया हूँ। ताली क्या बजाते हो, शर्म आनी चाहिए। इसे लैपटॉप मिला सीधे यहाँ लेकर आया, ये नहीं कि रात भर सर्फिंग की चैट की और फिर दूसरे दिन यहाँ आए। मंजे जब तुम्हें सोनी की बिस्कुट मिली थी, अगर तुम सीधे यहाँ लेकर आते तो आज यहाँ नहीं होते, अपने गोकुलधाम सोसाइटी में होते, घर में बैठकर चाय में बिस्कुट डुबाकर यूं खा रहे होते। बहुत अच्छे इंसान, क्या नाम है तुम्हारा? घनश्याम। घनश्याम क्या? घनश्याम यादव। घनश्याम यादव, जौनपुर प्रॉपर के हो या आसपास के? जौनपुर से 80 किलोमीटर दूर। 80 किलोमीटर दूर? जौनपुर प्रॉपर के होते ना तो बासुंदी के जो चाचा हैं, उनकी जो बेटी है उनकी शादी वहाँ हुई है, तो थोड़ा गांव देश की बातचीत हो जाती। पांडे जी, पांडे जी हम सबका कुछ करो प्लीज। तुम्हारा ही कर रहा हूँ। शिंदे इस लैपटॉप को कब्जे में लो, इसकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। थैंक यू, आपका गर्व है मुंबई पुलिस। आइए भाई। जय हे भगवान, अपना टैक्सी वाला भी इतना ही ईमानदार निकले। ये तेरी कैसी लीला है प्रभु, एक ईमानदार का सम्मान और दूसरे को सलाख है। पर टैक्सी वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएंगे आएंगे, टैक्सी वाले भाई जरूर आएंगे, मेरा मन कह रहा है वो भाई जरूर आएंगे। सर टैक्सी ड्राइवर। अरे ए, ये वही है टैक्सी वाला। मुझे पहचाना टैक्सी वाले भाई साहब, पहचाना मुझे? नहीं। देखा नहीं पहचाना? अरे क्या नहीं पहचाना, अरे याद करो मैंने आपकी टैक्सी में बिठा तो सिद्ध धनराज को उस दिन रात को। नहीं तुम लोग हमेशा वही सोचते हो जो तुम लोग चाहते हो। पुलिस
हमेशा वही सोचती है जो तुम लोग नहीं चाहते हो। क्या नाम है तुम्हारा? रामनारायण शर्मा। रामनारायण शर्मा, परसों रात को बोरीवली के बांकी सोसाइटी में जो कोरा केंद्र के करीब है वहां तुमने किसी को छोड़ा था? जी सर। वेरी गुड। क्या वो आदमी नशे में था? हाँ साहब, एकदम फुल टू टॉप गियर में था। साहब वो तो मेरे लिए सरदर्द था, सरदर्द। उसे ठीक से उसके घर का पता ही नहीं था। एक घंटा मुझे बोरीवली में घुमाया, किसी तरह घूमते घूमते पूछते पूछते उसे घर पहुंचाया। बात समझ गए। अब ये बताओ उस आदमी को तुमने कहां से बिठाया? वो एबीसीडी रेस्टोरेंट के पास वाले रोड से। खुद टैक्सी में बैठा था या उसे किसी ने बिठाया था? नहीं साहब, उसे का होश था, एक आदमी था जिसने उसे बिठाया था। कैसा दिखता था वो आदमी? क्या ये वही है? नहीं। अरे काय नहीं पंडित जी, शायद उनको ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये बीच में ये सब बाहर है ना, मैं बाहर आके खड़ा रहूं। क्या बाहर आ जा, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। दिख नहीं रहा है ना उसका चेहरा। ए भीड़े, वहीं से अपना चेहरा दिखाओ। इसे जो तो रॉड है ना उसके बीच में से निकालो, दिखाओ, देख लेगा। ठीक है दिखाओ। यहाँ से कैसे? लेकिन अरे निकालो, ट्राई तो करो, निकलेगा। हाँ ठीक है, मैं यहीं से थोड़ा आगे आता हूँ। छोटी ये तो सलिया, थोड़ा ऐसा ऐसा कर देना। ए जेठालाल, अगर पुलिस की प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे ना तो फिर से अंदर कर दूंगा। और कितना अंदर करेंगे? वही तो। रामनारायण जरा ठीक से देखो इस आदमी को। अय्यर भाई, आप अपना चेहरा पीछे रखे वरना उसका तकलीफ होगी। भाई दो में से कौन है वो देखने में? मांगे मांगे मांगे। रामनारायण जी पहचाने? देखिए मैं ही था वहां पे, आपको याद आया? मैंने आपको रोका था, बोला था कि ये भाई साहब ने बहुत पी हुई है, इनको जरा संभाल के लेके जाना। याद आया? याद है। हाँ सर, यही आदमी था, अब ध्यान में आया। आज इस पुलिस स्टेशन में दिवाली जैसा माहौल है। सॉरी, वो अचानक से पूछा तो याद नहीं आया। अरे तुमको याद आया, यही बहुत बड़ी बात है भाई। दया भाभी, राम नारायण नाम है तो सत्य तो बोलेंगे ही ना। पांडे जी, अभी सबूत मिल गया है ना, तो प्लीज सबको छोड़ दीजिए ना, प्लीज। मुझे अपनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी ना। ऐसे आप लोग हाँ वो करोगे तो कैसा होगा? खुशी खुशी खुशी। हाँ तो राम नारायण, सच सच बताओ वहाँ क्या हुआ था? सर वो हुआ यूं कि उस दिन रात को। ए तुम रख लो। अच्छा ठीक है। इधर नहीं, अपने पास रखो। इनाम इनाम। अरे भाई साहब, मैंने आपकी जान इनाम के लिए नहीं बचाई है, वो तो मेरा फर्ज था। अरे रखो यार। अरे मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। अरे चलो ड्राइवर, बोरी वाली भेज। राम नारायण था, अगर मैं लॉकअप से बाहर होता ना तो तुझे चक लेता, मतलब उठा लेता। मैडम पांडे, अब तो आपको सबूत मिल गया ना कि यह धनराज झूठा है। पांडे जी, अब हम सबको जल्दी छोड़ दीजिए। टैक्सी वाले बहू को तो मैं दो दो किलो अचार पापड़ मेरी तरफ से फ्री देने वाली हूँ। अरे शांति रखो, शांति रखो भाई। पटेल सर, धनराज को बुलाओ। बुला लिया है सर। बहुत बहुत होशियार है पटेल, बहुत होशियार, आपसे ज्यादा नहीं। चलो जी पांडे जी, आपसे ज्यादा नहीं। सर वो कदम सर सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे तो मुझे लगा कि धनराज की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड,
एक दिन यहीं बैठ जाना तुम और सब संभाल लेना। अच्छा बुलाओ। राम नारायण, जो तुमने अभी यहाँ कहा है तो उस बात को तुम कोर्ट में गवाही दोगे? नहीं नहीं साहब, कोर्ट के चक्कर में अपुन को मत डालो। साहब मुझे कोर्ट के धक्के नहीं खाने हैं। इसे कहते हैं महा बदकिस्मती भाई। आखिरी बॉल पे क्रिकेट मैच में आप विनिंग विकेट लें और आपको पता चले कि बॉल तो नो बॉल थी तो क्या होगा? यही हो रहा है हमारे साथ। हम सबको सच्चा साबित करके छुड़वाने वाला एकमात्र गवाह वो टैक्सी ड्राइवर ऑक्सीजन बनके हमारी जिंदगी में आया, लेकिन वो तो गवाही देने से इनकार करके कार्बन डाइऑक्साइड बनके हमारा दम घोट रहा है। पता नहीं लोग क्यों गवाही देना नहीं चाहते, क्यों गवाह नहीं बनते, सच का साथ क्यों नहीं देते? भाई आपको, हमको, सभी को हमारी न्याय व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, न्याय व्यवस्था को सहारा देना चाहिए, इसे पुष्ट करना चाहिए। लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर तो डर रहा है, गवाही देने से डर रहा है। और डर क्या रहा है, हम सबको डरा रहा है साहब। पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का सारा दारा मदार इस टैक्सी वाले के हाथ में। ठीक वैसे ही जैसे आपको हंसाने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और करेंगे, और आप हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उस टैक्सी ड्राइवर को सद्बुद्धि दे। अरे लोग सच्चाई के लिए जान दे देते हैं, कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते। देखिए रामनारायण भाई, हम मानते हैं आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर आपकी गवाही से एक शिक्षक की जिंदगी और उसका मान सम्मान बरकरार रहेगा। देखिए आपने जिस सवारी को अपनी गाड़ी में बिठाया था ना, उसने हमारे इस आदरणीय शिक्षक भिड़े जी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, 2 करोड़ के सोने की चोरी का। हाँ, आप देखिए ये आदमी कहीं चोर लगता है आपको? सिर्फ आपकी गवाही ने बहुत बड़े इल्जाम से बचा सकती है रामनारायण जी। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।